यूवी ने धोनी की सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ने के फैसले का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे अपने पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करके अपनी बेपरवाह क्रिकेट से क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं। युवराज ने कहा, ये धोनी के साथ पुराने दिनों की तरह खेलने जैसा होगा। जबकि हमने शुरुआत की थी, निश्चित तौर पर मैंने उससे पहले काफी शुरुआत कर ली थी, लेकिन तब जब हम साथ खेलते थे पूरी तरह से बेपरवाह होकर खेलते थे। हम आगामी श्रृंखला में फिर से ऐसा कर सकते हैं। धोनी की अगुवाई वाली विश्व कप विजेता टीमों के अहम अंग रहे युवराज ने एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में धोनी के योगदान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारी टीम नंबर एक बनी, दो विश्व कप जीते और ये बेजोड़ उपलब्धियां हैं। मुझे पक्का पता नहीं कि कितने कप्तानों ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं। वो बेहद शांत चित्त और सुलझा हुआ कप्तान था। युवराज ने कहा, मेरा मानना है कि उसने कप्तानी छोड़कर बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि उसने निश्चित तौर पर सोचा होगा कि अगले खिलाड़ी को नेतृत्व करना चाहिए और विश्व कप 2019 के लिए टीम तैयार करनी चाहिए, और उन्होंने इसके लिए विराट के बारे में सोचा होगा। मेरा मानना है कि वो भी एक खिलाड़ी के रूप में इस टीम में काफी योगदान दे सकता है। टीम में पांचवी बार वापसी करने वाले युवराज को लगता है कि विराट कोहली खुद के प्रदर्शन से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, विराट की बात करें तो मैंने उसे अपनी आंखों के सामने युवा से अनुभवी खिलाड़ी बनते हुए देखा। वो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। विराट को लेकर सबसे खास बात उसका शानदार प्रदर्शन है। वो अपने करियर के दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा और उसके जज्बे और निरंतरता ने उसे बहुत अच्छा कप्तान बना दिया। युवराज ने कहा, वो टीम से हर समय ये चाहता है, 100% प्रतिबद्धता, और ये एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है। अपने प्रदर्शन से हर साल उसमें निखार आ रहा है। मुझे लगता है कि उसने हर प्रदर्शन के बाद बेहतर करने के लिए खुद के लिए लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने कहा, पहले वो ढेरों रन बनाता था और अपनी शुरुआत को शतक में बदलता था, लेकिन इस साल उसने दोहरे शतक जमाने शुरू कर दिए। मैं नहीं जानता कि सभी तीन प्रारूप में किसका औसत 50 से ऊपर है। उम्मीद है कि विराट का ये प्रदर्शन जारी रहेगा और वो भारतीय टीम को अगले स्तर तक ले जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में युवराज सिंह को वनडे और टी20 में शामिल किया गया है।